हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टेक दी बायोलॉजी इवोल्यूशन. ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन के बाद अब हम इसकी बात करेंगे. हमने यहाँ तक तो देख लिया कि केमिकल इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते थे. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंट एंड कंडीशन, लाइक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, एनर्जी सोर्सेस थे, उन सब की वजह से ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली ही ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए. पहले ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए और फिर यहाँ से, मतलब कि इससे सिंपल से फिर क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए. कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या क्या बन गए इसमें, इसमें बन गया प्रोटीन. ठीक है, फिर क्या बन गए, पॉलीसेकेराइड्स. ओके, इसके अलावा और क्या बन गए, फैट कैटेगरी एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके फाइन, फर्दर वापस टेम्परेचर और रिड्यूसिंग ही था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, टेम्परेचर और डाउन होता चला गया और फर्दर ये और कॉम्प्लेक्स हुए और अल्टीमेटली इन्होंने क्या बनाया, डीएनए, आरएनए, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, एज वेल एज सम इंजाइम्स कैटेगरी, और अल्टीमेटली इससे एक लाइफ जनरेट हुई. ठीक है, अल्टीमेटली लाइफ जनरेट हुई. तो जैसे ही ये वाला जो एरा आता है, ये वाला जो इवोल्यूशन होता है, दैट कम्स अंडर बायोलॉजी इवोल्यूशन, कि कैसे लाइफ जनरेट हुई. ठीक है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे. ठीक है, तो जो प्रिमिटिव, मतलब केमिकल इवोल्यूशन के बाद जो प्रिमिटिव केमिकल सिस्टम था, ठीक है, या प्रिमिटिव जो चीज़ थी, उसमें सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनी, उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, या फर्स्ट जो चीज़ बनी जिसमें कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको क्या बोला गया, दे आर कॉल्ड प्रोटोबायोन्स. ठीक है, क्या बोला गया इनको, प्रोटोबायोन्स. दे वर हैविंग सर्टेन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसको लिविंग की कैटेगरी में कब रख सकते थे, जब उसमें तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी, पहला तो दे मस्ट बी हैविंग सम देयर रेप्लिकेटर. ठीक है, उनके पास खुद का सम रेप्लिकेशन मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स तो बाद में डेवलप हुए. ठीक है, मतलब अर्लियर तो उसको हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन मॉलिक्यूल्स, तो खुद का रेप्लिकेटर्स होना चाहिए. ठीक है, सेकंड, जब ये रेप्लिकेटर्स की कॉपी हो रही है, ठीक है, जब ये रेप्लिकेशन के दौरान एक से वापस उसकी कॉपी जनरेट हो रही है, डॉटर सेल बन रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए था, देयर सर्टेन म्यूटेशन शुड टेक प्लेस. ठीक है, सो म्यूटेशन ड्यूरिंग कॉपी ऑफ रेप्लिकेटर्स. ठीक है, और इसी के साथ साथ ही कुछ और केमिकल सब्सटेंस भी बनने चाहिए थे. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी इज देयर इज अ सप्लाई ऑफ एनर्जी. ठीक है, टू दीज रेप्लिकेटर्स, इन रेप्लिकेटर्स को कुछ एनर्जी है वो सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, जो जनरल एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते थे. फाइन, तो ये प्रोटोबायोन्स जो थे, इसमें इनिशियली जो बने वो तीन चीज़ें या तीन कैटेगरीज बनी. द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड दी कोएसरवेट्स. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड दी माइक्रोस्फियर. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड दी वेसिकल. ओके, मतलब कि क्या था, जितना भी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, ये और टेम्परेचर डाउन होता गया और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, जिसकी वजह से क्या हुए, जो प्रोटीन थे, ठीक है, जो प्रोटीन था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, मतलब कि और कॉम्प्लेक्सिटी भरकर इसने क्या बना लिया, सम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनाए, जो क्या थे, दे वर सराउंडेड बाय दी वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड थे एंड दीज आर एक्चुअली कॉल्ड दी प्रोटोबायोन्स, और जिसमें तीन कैटेगरी आती है, कोएसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर्स एंड वेसिकल्स. अंडरस्टूड? ठीक है, ये सब इस तरह से कुछ बने होंगे. ठीक है, ड्यूरिंग दैट इवोल्यूशन, बट लेटर ऑन थ्री साइंटिस्ट केम विच वर एबल टू सिंथेसाइज दीज ऑल प्रोटोबायोन्स इन लैब. ओके, तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैसे कैसे इनको प्रोड्यूस किया, उसके बारे में बहुत शॉर्ट में देखते हैं. कोएसरवेट्स में क्या है, इट वॉज गिवन बाय ओपेरिन.
ठीक है। ओबेरिनिक इसने क्या लिया, ही टुक अ सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओके एज वेल एज प्रोटीन, उसने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सोल्यूशन लिया और इसको क्या किया, शेक किया ठीक है। जैसे ही इसने शेक किया, शेक करने के बाद ही इसमें से क्या मॉलिक्यूल निकल के आए, कोअसर्वेट्स निकल के आए ठीक है। इस कोअसर्वेट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दे वर एबल टू ग्रो ठीक है, वो कुछ ग्रोथ शो कर रहे थे एज वेल एज सम सिंपल मेटाबॉलिज्म ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म दे वर नॉट एबल टू डू, सिर्फ कोई सिंपल सी मेटाबॉलिज्म वो कर सकते थे ठीक है। बट उसके अंदर क्या एब्सेंट था, क्या एब्सेंट था, दे वर नॉट हैविंग अ लिपिड मैम्ब्रेन ठीक है। जैसे कि आज के डेट में हम जानते हैं कि सेल में मैम्ब्रेन होती है, लिपिड मैम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे क्या था, जो लिपिड मैम्ब्रेन थी वो उसमें नहीं थी, एज वेल एज दे वर नॉट एबल टू डू रेप्लिकेशन, मतलब कि डिवाइड भी नहीं कर सकते थे ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। सी धीरे धीरे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे ही आगे उसमें चीज़ें डेवलप होंगी। तो इनिशियली इस कोअसर्वेट्स में लिपिड मैम्ब्रेन और एप्लीकेशन नहीं हो रहा था, बट दे वर एबल टू ग्रो एंड दे वर शोइंग सम सिंपल मेटाबॉलिज्म ओके क्लियर ओके। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट केम, दैट वॉज फॉक्स ओके, और फुल नेम है दैट इज सिडनी फॉक्स। तो उन्होंने क्या बताया, माइक्रोस्फीयर्स के बारे में बताया, क्या नाम है, सिडनी फॉक्स, ही टोल्ड अबाउट माइक्रोस्फीयर। उन्होंने ये माइक्रोस्फीयर क्या था, इसके पास लिपिड की मेम्ब्रेन थी, चारों तरफ एक प्रिमिटिव मेम्ब्रेन थी ओके। ये मतलब कोअसर्वेट्स से थोड़ा और डेवलप फॉर्म था। तो उसने क्या किया, उसने इन सबको हीट किया, हीट अ ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड ठीक है। अमीनो एसिड को उसने हीट किया एट अराउंड 132-180 डिग्री सेल्सियस ठीक है, इतने पे उसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, कुछ अमीनो एसिड पॉलीमर्स बन गए ओके, अमीनो एसिड पॉलीमर्स। अभी अमीनो एसिड पॉलीमर्स इस पूरे मिक्सचर को एकदम से उसने किस में पोर किया, इट पोर इन कोल्ड वाटर ओके एंड विच यू आर हैविंग सम लिपिड ऑल्सो ठीक है। उस कोल्ड वाटर में लिपिड भी प्रेजेंट था और उसके अंदर इस पूरे मिक्सचर को डाल दिया। तो क्या हुआ, ये अमाइनो एसिड पॉलीमर है, इसके चारों तरफ एक मैम्ब्रेन बन गई, जो किसकी मैम्ब्रेन थी, लिपिड की मैम्ब्रेन थी ओके। तो इस तरह से नाउ दे वर एबल टू शो दी ग्रोथ ठीक है। उसके पास प्रिमिटिव मैम्ब्रेन भी थी ओके, जो उसकी नेसेसिटी थी, एंड द थर्ड थिंग दे वर एबल टू डिवाइड और दे वर शोइंग रेप्लिकेशन, अंडरस्टूड ठीक है। तो इस तरह से ये और उसका एडवांस फॉर्म बन गया। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आई, दैट इज दी वेसाइकल्स ओके। सो वेसाइकल्स वॉज गिवन बाय डीमर, हु इट वॉज गिवन बाय डीमर ओके। उसने क्या किया, उसने इन दोनों को ही मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, कोअसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर दोनों को मर्ज करा और उसी से ही क्या जनरेट हुआ, वेसाइकल जनरेट हुआ ओके। और इसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके पास लिपिड मैम्ब्रेन थी, न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था, एवरीथिंग इट वॉज हैविंग, और उसको ही डीमा ने नाम क्या दिया, वेसाइकल नाम दिया। इट्स वेरी सिंपल ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या साइंटिस्ट थे और लिटिल बिट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्चुअल में था क्या ओके। तो अब हमने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना था, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और ये दैट इज न्यूक्लिक एसिड ठीक है, ये सब बनने के बाद फिर क्या आए, प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स में ये सब आया ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज दी प्रोटोसेल्स और ईओबायोन्ट्स। तो इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, इन्होंने और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कलेक्ट करना शुरू हुआ और यहाँ पे क्या बने, कुछ क्रोमोफोर्स बने ठीक है, कुछ क्रोमोफोर्स बने। ये क्रोमोफोर्स की क्या खासियत थी, ये दे वर एबल टू एब्जॉर्ब दी लाइट एनर्जी ठीक है। ये क्या कर सकते थे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते थे
ओके और उसके साथ ही नाउ दे डेवलप द कैपेसिटी टू डू सम केमिकल रिएक्शन, मतलब मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करने लगे. दे वर एबल टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है. और उसके साथ ही क्या करने लगे, दे वर एबल टू डू द केमिकल रिएक्शन. ओके फाइन, केमिकल रिएक्शन करने लगे. बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि आरएनए जो है उसमें भी ये कैपेसिटी थी दैट इट वॉज एबल टू डू द केमिकल रिएक्शन और सर्टेन मेटाबॉलिज्म, या फिर वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते थे, रेप्लिकेशन कर सकते थे. तो उसमें दो मेन चीज़ थी, इट वॉज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ओके, एंड द सेकेंड इट वॉज ऑल्सो एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है. क्योंकि ये क्या कर रहा था, कैटलिस्ट में केमिकल रिएक्शन कर रहा था, मेटाबॉलिज्म में पार्ट ले रहा था, रिप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है. तो उस टाइम जो वर्ल्ड था, उस टाइम का जो एनवायरनमेंट या उस टाइम का जो टाइम बोलेंगे, दैट वॉज द आरएनए वर्ल्ड, ठीक है. उस वक्त डीएनए नहीं डिस्कवर हुआ था, ठीक है. बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि डीएनए इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटीरियल. तो उस टाइम के एरा में कौन डेवलप हुआ, वायरसेस डेवलप हुए, ठीक है, वायरसेस डेवलप हुए. एंड इट दैट इज व्हाई इट वाज प्रूवन दैट आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, बिकॉज वायरस में जो जेनेटिक मटीरियल था मोस्ट ऑफ इट आरएनए. समझ में आ रहा है, बिकॉज वायरस में जो आरएनए था वो जेनेटिक मटीरियल था, दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड दैट आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज द आरएनए वर्ल्ड. और वायरस को ही क्या माना गया, दिस इज एक्चुअली द प्रोटोसेल्स और ईओबायोन्स, ठीक है. तो यानी कि उस टाइम में ईओबायोन्स किसको बोल रहे थे, वायरस को बोल रहे थे, ओके. चलिए अब यहाँ तक तो हो गया, वायरस भी डेवलप हो गए. अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज द अर्लीएस्ट सेल और द फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है. क्योंकि वायरस को तो हम आज भी डेड और लाइव दोनों ही समझते हैं, ओके. तो अभी तक भी हम लाइव नहीं बोल सकते. तो नेक्स्ट कैटेगरी चलिए देखते हैं. तो ये हो गया फर्स्ट लिविंग सेल, जो क्या था, एक सिंगल सेल प्रोकैरियोट था. तो क्या हुआ, जो ईओबायोन्स थे उसमें फर्दर कम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी. ये क्या करने लगे ईओबायोन्स, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट कलेक्टिंग सम मोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है. और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कलेक्ट करने लगे, और लेटर ऑन ये क्या बनाने लगे, दे स्टार्ट मेकिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है. और एक सिंगल सेल्ड, किसमें, एक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स बनाया, ओके. दैट वाज द फर्स्ट लिविंग सेल. इस प्रोकैरियोट्स की खासियत क्या थी, दे वर हैविंग द नेक्ड डीएनए, उसके बाद खुद का नेक्ड डीएनए था, ठीक है, ओके. दे वर एबल टू फॉर्म देयर ओन प्रोटीन, मतलब कि उनके पास खुद की प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी थी, ठीक है. तो प्रोटीन फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं उनके पास खुद का मशीन था, मशीनरी, ओके. इसके अलावा दे वर एबल टू यूज़ और जनरेट द एनर्जी, ठीक है. फिर इसका यूज़ कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, सब कुछ इनके पास कैपेसिटी आ गई थी. तो ये क्या कर रहे थे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, इस एनर्जी पर्पस के लिए इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए था जिससे ये एनर्जी जनरेट कर सकते थे. और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये क्या कर रहे थे, खुद नहीं बना रहे थे, कहाँ से, आउटसाइड से, बाहर के एनवायरनमेंट से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर इससे एनर्जी जनरेट कर रहे थे, और अपने सारे जो भी उनके पर्पस है उसको फुलफिल कर रहे थे. तो द ऑर्गेनिज्म विच यूज the organic substance from outside does not generate its own, that is known as chemoheterotrophs. Understood? ठीक है. तो यानी कि ईओबायोन्स के बाद फर्स्ट जो कैटेगरी सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स थी उसमें क्या आ गया, कीमोहेट्रोट्रॉफ्स, जो बाहर से केमिकल एनर्जी ले रहे हैं और वो भी खुद नहीं बना रहे, दूसरों पे डिपेंड है, दैट आर कॉल्ड कीमोहेट्रोट्रॉफ्स. और इस वक्त भी एनवायरनमेंट क्या था, रिड्यूसिंग ही था, एंड दे रेस्पिरेशन, ठीक है, उनका जो रेस्पिरेशन हो रहा था इट वॉज एनारोबिक, ओके, द रेस्पिरेशन वॉज एनारोबिक. क्लियर यहाँ तक, ओके. चलिए अब ये बन गए कीमोहेट्रोट्रॉफ्स. तो नेक्स्ट कैटेगरी आई, दैट इज़ दी
कीमोऑटोट्रॉफ्स, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कीमोऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेसिस शुरू हुआ, यानी कि अब क्या हुआ, टेम्परेचर वो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन चला गया, और इतने लो टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो एग्रीगेशन है वो स्टॉप हो गया, और फर्दर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन था दैट स्टॉप, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, अब और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने बंद हो गए। तो क्या हुआ, जो कीमो हेटरोट्रॉफ्स थे अर्लीस्ट कैटेगरी, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए था अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, क्योंकि अब आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये बनना बंद हो गए। तो अब क्या हुआ, उनको स्विच करना पड़ा, एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग अ न्यू कैपेबिलिटी कि वो खुद अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरेट करने लगे। तो वो क्या करने लगे, दे यूज सम केमिकल एनर्जी, ठीक है, और केमिकल एनर्जी से खुद ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जनरेट करने लगे, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस, ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, एंड द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो यानी कि खुद बनाने में, बट किस एनर्जी को यूज़ करके बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके बनाने, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या बने, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसके कुछ एग्जाम्पल नाउडेज भी हम स्टडी करते हैं, जैसे कि क्या, सल्फर बैक्टीरिया, ओके, उसके अलावा क्या हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके, नैन आयरन बैक्टीरिया, ये कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज है जो आज भी केमिकल एनर्जी को यूज़ कर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक नेक्स्ट कैटेगरी आपको पता ही होगा कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स आ गया, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या आई, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, लेट्स सी। तो अब क्या होने लगा, पहले तो वो केमिकल एनर्जी ही यूज़ कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे, वो सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सोलर एनर्जी, ठीक है, और इसको किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, और फिर इस एनर्जी से क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, फाइन। सो दोज आर कॉल्ड एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स विच यूटिलाइज द फोटोन, मतलब कि लाइट एनर्जी यूज करना। बट क्या हुआ, अर्लियर इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में, इफ यू नो अबाउट इट, उसमें रिड्यूसिंग पावर चाहिए, ठीक है, एंड दैट रिड्यूसिंग पावर यानी कि, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, दैट रिड्यूसिंग पावर Nowadays we know कि वो किससे लिया जाता है, वाटर से लिया जाता है, बट अर्लियर दिस वॉज टेकन फ्रॉम सम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और H2S, इससे क्या लिया जाता था, दिस रिड्यूसिंग पावर, एंड दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, एंड इट वॉज इवॉल्व अराउंड 38 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, कितना था, 38 बिलियन ईयर्स अगो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा था, बट लेटर ऑन फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन किससे लेने लगे, वाटर से लेने लगे, और वाटर से लेते हैं तो उसमें ड्यूरिंग दिस स्प्लिटिंग हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाता है, और ये क्या स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होने लगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड दिस वॉज इवॉल्व अराउंड 35 बिलियन ईयर्स अगो, ओके, फाइन। और अब इसमें ड्यूरिंग ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, तो अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन किसमें, एटमॉस्फेयर में जाने लगा, और इसके बाद धीरे 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 जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजन रिच होने लगा, मतलब कि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होने लगा, इससे पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो अब धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म किस पे स्विच करने लगे, एरोबिक रेस्पिरेशन पे, किस पे स्विच करने लगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, विच वॉज मच बेटर देन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इससे
ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, ज़्यादा एनर्जी सिंथेसाइज होती है, और भी बहुत तरह से ये ज़्यादा बेटर था। तो सारे ऑर्गेनिज्म इस पे ही स्विच करने लगे। तो अब क्या बन गए, फोटो ऑटोट्रॉप्स बन गए। इसके बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी आई, फर्दर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होने लगी। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या आएगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो बन ही गए, ये सब प्रोकैरियोटिक कैटेगरी है। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन से थे, ओके वन मोर थिंग आई नीड टू टेल, जो ये एनऑक्सीजेनिक था, एनऑक्सीजेनिक था, ठीक है, ये किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा था, इट वॉज परफॉर्म बाय बैक्टीरिया, ओके। फिर जो ऑक्सीजेनिक था, इट वॉज परफॉर्म बाय ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सब बैक्टीरियल कैटेगरी यानी कि प्रोकैरियोट्स यहाँ तक डेवलप हो गए, और एनवायरनमेंट भी ऑक्सीजन रिच हो गया, ओके। इसके बाद क्या है, यूकैरियोट्स बने, ओके, दे वर इवॉल्व अराउंड 1600 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसमें यूकैरियोट्स बने जिनके पास खुद का क्या था, ट्रू न्यूक्लियस था, और क्या था, मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे, मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, जो नाउडेज हम पढ़ते हैं। फिर ये यूकैरियोट्स से फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो क्या बनाने लगे, दे स्टार्ट मेकिंग फंगाई, देन दे स्टार्ट मेकिंग एल्गी, सम इनवर्टिब्रेट्स, ओके। उसके बाद क्या बनाने लगे, ये कॉर्डेट्स बनाया इन्होंने, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुए, फर्स्ट लैंडेड प्लांट्स, अल्टीमेटली क्या इवॉल्व हुए, प्लांट्स बने जो करीब 459 बिलियन ईयर अगो बने। आई एम सो सॉरी, दिस विल बी मिलियन, ओके, एंड लाइक दिस, दिस विल ऑल्सो मिलियन, प्लीज करेक्ट इट, ओके। सो 459 मिलियन ईयर अगो दे डेवलप, एंड अल्टीमेटली इससे क्या बने, मैमल्स, विच वॉज अराउंड 220 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इतने साल पहले ये डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा एवोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक ओवरऑल पूरा बात करना चाहूँ तो लेट्स हैव अ लुक, ओके, अगर क्विक व्यू देखें इस पूरे एवोल्यूशन, तो क्या था, पहले एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, इस एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और ये क्या बने, दे स्टार्ट मेकिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर वापस इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, दे स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके, लाइक प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। इस कॉम्प्लेक्स से क्या बना, प्रोटोबायोन्स, ओके, प्रोटोबायोन्स क्या बनाए, ईओबायोन्स, ईओबायोन्स के बाद क्या बने, फर्स्ट सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स, ओके। इस प्रोकैरियोट्स में क्या थे, देवर कीमो हेटरोट्रॉप्स, ओके फाइन। इससे क्या बने, दे स्टार्ट मेकिंग दी कीमो ऑटोट्रॉप्स, और फिर इससे क्या बने, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ओके। फोटो ऑटोट्रॉप्स से फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या बनी, दैट इज दी यूकैरियोट्स, ओके, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यूकैरियोट से क्या बने, फॉर द प्लांट्स, और अल्टीमेटली क्या बने, मैमल्स, ओके फाइन। एक चीज़ यहाँ मेंशन करती हूँ कि कीमो तक, यहाँ तक क्या था, एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट थी, और इसके बाद से फोटो ऑटोट्रॉप्स के और यहाँ तक क्या हुआ, ऑक्सीजन स्टार्ट इवॉल्विंग, मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हुई। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ फर्स्ट गो थ्रू द केमिकल इवोल्यूशन, और उससे पहले भी इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आपको पूरा सीरीज एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।